हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बजाज नियो शक्ति नियो प्लस गीजर के बारे में बताया था। मैंने आपको उस गीजर से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको किस कंडीशन में उस गीजर को अपने लिए परचेज करना चाहिए था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस गीजर के सभी एस्पेक्ट्स पे तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही इसके प्रोज एंड कॉन्स पे भी चर्चा करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको इस गीजर को अपने लिए परचेज करना चाहिए और फिर किस कंडीशन में अपने लिए इसे परचेज नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2022 में वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर के बारे में। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मैंने आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, मैंने आपके लिए सही वैल्यू प्रोवाइड किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने बजाज नियो शक्ति नियो प्लस गीजर का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2022 में वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर के बारे में। दोस्तों, इस गीजर में 8 बार का प्रेशर प्रोवाइड किया गया है और यही मैं आपको भी रिकमेंडेड करता हूं। अगर आप किसी भी एरिया में रह रहे हो, अगर आप 35 फ्लोर पे रह रहे हो या फिर आप डाउनवार्ड फ्लोर पे रह रहे हो, किसी भी जगह रह रहे हो, तो मैं आपको यही हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप 8 बार के प्रेशर वाले गीजर को अपने लिए कंसिडर कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर में जो पावर दिया गया है वो 2000 वाट का है। इसके अलावा यह गीजर जो है 5 स्टार रेटेड है। दोस्तों, इसका बॉडी मेटालिक बॉडी के साथ आता है। वी गार्ड गीजर के अलावा अगर आप कोई भी गीजर परचेज करने जा रहे हैं तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि आप जो गीजर ले रहे हैं उसका बॉडी जो है वो मेटालिक हो या फिर एबीएस मटेरियल का बना हुआ हो। दोनों मटेरियल का क्वालिटी बहुत लाजवाब होता है और आपको भी इन दोनों में से ही किसी एक को कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों, वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर का जो इनर टैंक है वो टाइटेनियम इनेमल ग्लास लाइन कोटेड का बना हुआ है। चूंकि इसमें बहुत अच्छे से कोटिंग किया गया है इसीलिए आपको किसी तरह का कोई लीक देखने को नहीं मिलेगा और यह एंटी कोरोजिव टैंक प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके टैंक में किसी तरह का कोरोजन या फिर रस्ट का कोई समस्या नहीं होने वाला है। इस वजह से आपका टैंक लंबे समय तक कोरोजन से फ्री रहता है और आपको लंबे समय तक सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, बेस्ट गीजर इन 2022 में मैं आज वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, इस गीजर में जो एलिमेंट का यूज किया गया है उसे सुपीरियर इनक्लोइक 800 हीटिंग एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 200 किलोवाट का निकेल इनरिच्ड हीटिंग एलिमेंट का यूज किया गया है जो लॉन्ग लास्टिंग हीटिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एनोड रॉड का इस्तेमाल किया गया है जो थिक मैग्नीशियम का बना हुआ है। एनोड रॉड क्या है और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूं। आप वी गार्ड के अलावा कोई भी गीजर को परचेज करें तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि उसका एनोड रॉड या तो मैग्नीशियम का बना हो या फिर जिंक का बना हो या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ हो। इस केस में, यानी कि वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर के केस में, एनोड रॉड जो है सो मैग्नीशियम का बना हुआ है। दोस्तों, इसे सैक्रिफाइंग रॉड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एनोड रॉड गीजर के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है और खुद को डिस्ट्रॉय करके इनर टैंक को कोरोजन से और रस्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इससे आपको ये फायदा होता है कि जो आपका वाटर होता है वो लंबे समय तक हीट रहता है और आपका इनर टैंक लंबे समय तक सेफ रहता है। बेस्ट गीजर इन 2022 में वी गार्ड डिविनो डीजर गीजर के बारे में बात कर रहा हूं और इसमें आपको 5 इंच सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल किया गया है जो प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है, जिससे आपके टैंक में बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज नहीं होता और वो आपको सेफ प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें आपको ड्यूअल ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, ड्यूअल ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन फीचर में आपको एडवांस थर्मोस्टेट और थर्मल कट आउट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों, इसका मैकेनिज्म वाटर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, वो भी डिजायर लेवल तक। इससे होता यह है कि आपको इससे डबल सेफ्टी मिलता है, यानी कि यह आपके गीजर सिस्टम को डबल सेफ्टी
शक्ति प्रोवाइड करने का काम करता है और ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर में एक्स्ट्रा थिक पीयूएफ इंसुलेशन का यूज किया गया है। ये हीट को मैक्सिमाइज करके रिटेन करने का काम करता है। रिटेन करने से मेरा मतलब ये है कि आपके वाटर को लंबे समय तक टैंक के इनसाइड में, यानी कि टैंक के अंदर, बहुत लंबे समय तक गर्म रखने का काम करता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल उठता है कि वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर हार्ड वाटर के लिए सेफ है या फिर नहीं है, यानी कि सुटेबल है या फिर नहीं है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों, इसमें एंटी एस्केलेंट और एंटी कोरोजिव नेचर प्रोवाइड किया गया है, जो आपके लिए हार्ड वाटर के लिए बहुत आइडियल माना जाता है। ये उन लोगों के लिए और भी अच्छी बात हो जाती है जिनके एरिया में हार्ड वाटर आता है। इसीलिए अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आ रहा है तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या, जो हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, यानी कि जो 25 फ्लोर, जो 30 फ्लोर, 35 फ्लोर पे रह रहे हैं, उनके लिए वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर बेस्ट है या फिर नहीं, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इस गीजर में 8 बार प्रेशर का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। अगर आप 25 फ्लोर पे भी रहते हैं, 35 फ्लोर पे भी रहते हैं, तो भी यह 8 बार प्रेशर आपके गीजर में सफिशियंट प्रेशर प्रोवाइड करने का काम करता है और ये गीजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाला है। तो इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेस्ट गीजर इन 2022 के वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर में आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब देखने को मिलेगा। इसके नॉब की मदद से आप टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फीचर है और आपको यह फीचर किसी भी गीजर में मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देने वाला, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर का जो वेट है वो 9.8 केजी है, जबकि ये 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर के कैपेसिटी में अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस कंडीशन में आपको कितने कैपेसिटी का गीजर परचेज करना चाहिए। 10 लीटर का गीजर उन लोगों को लेना चाहिए जिनके घर में दो मेंबर हैं, यानी कि टू फैमिली मेंबर हैं, और 15 लीटर के गीजर उन लोगों को कंसीडर करना चाहिए जिनके घर में 3-4, यानी कि 2-4 के आसपास में लोग रहते हैं, और 25 लीटर का गीजर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके घर में 4 से ज्यादा मेंबर रहते हैं, 5-6-7 मेंबर्स रहते हैं, और ये सारे लोग गीजर्स को यूज करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए 25 लीटर का गीजर बेस्ट माना जाता है और आपको भी 25 लीटर का गीजर ही कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर को परचेज करते हैं तो आपको 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी, 3 ईयर्स की वारंटी आपको इसके हीटिंग एलिमेंट्स पे, और 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसके इनर टैंक पे देखने को मिलता है। ये वारंटी पीरियड बहुत अच्छा है और आपको हमेशा एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जाना चाहिए। मैं एक्सटेंडेड वारंटी से रिलेटेड किसी तरह का कोई एफिलिएट लिंक नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप वो वारंटी के साथ जाए, कंपनी को कॉल करें, नेगोशिएट करें और उसके बाद वारंटी को अपने लिए परचेज करें, और आप मैक्सिमम एक्सटेंडेड वारंटी लें। ऐसा करने से आपका गीजर लंबे समय तक सेफ रहेगा और आपको फाइनेंशियली किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो रहा वी गार्ड डिविनो डीजी गीजर का फीचर्स, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया और हर एक एस्पेक्ट्स पे खुल के चर्चा किया और साथ ही आपको सभी जानकारी दी। लेकिन अब मैं आपको इस गीजर का प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों, मुझे जो इसका कॉन लगता है वो ये है कि इसका इंस्टॉलेशन और एसेसरीज फ्री में आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस गीजर को परचेज करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा और एसेसरीज का भी चार्ज देना पड़ेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस बहुत बहुत शानदार है। अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो भी आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहां पे आपको कोरोजन की समस्या रहती है, जैसे कि ड्रेन के आसपास या फिर नाली के आसपास आप रह रहे हैं, वैसे एरिया में भी यह गीजर आपके लिए बेस्ट माना जाता है। इसीलिए अगर आप इस गीजर को परचेज करने जा रहे हैं तो आप एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जरूर जाइएगा। दोस्तों, इस गीजर का बेस्ट बाय लिंक, यानी कि एफिलिएट लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो जब भी आप अपना फाइनल परचेज कंप्लीट करने जाए तो ही आप एफिलिएट लिंक को यूज कीजिए और उस लिंक को यूज करके अपने परचेज को कंप्लीट कीजिए। ऐसा करने से आपके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाता है। और दोस्तों, आपके सपोर्ट का टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत जरूरत है, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले।
दोस्तों अगर आपने बजाज नियो शक्ति नियो प्लस गीजर का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक मैंने आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है और चैनल पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए, वो भी बहुत अच्छा गीजर है। देखिए कि मैंने आपको उस वीडियो में क्या क्या बताया है, किस कंडीशन में आपको परचेज करना चाहिए, हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।